हेलो, गुड मॉर्निंग, राम राम साहब, खामागढ़ दोस्तों, कैसे आप सभी लोग? स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल राजस्थानी व्लॉगर नरेंद्र राउत में। और आज का जो व्लॉग है उसमें मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ अजमेर टू खाटू श्याम जी का जो हमने टूर किया था, तो उसका जो रास्ते में जो व्यू था वो सब आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो प्लीज़ वीडियो में अंत तक जरूर बन रहे, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, चैनल पर न्यू तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए चलते हैं वीडियो में तरफ। और यहाँ पर दोस्तों देखिए, ये जो है खेत हैं वो सीकर के और जयपुर के बीच के खेत हैं। और यहाँ पर देखिए ये जो गांव का व्यू, बहुत ही प्यारा व्यू है यहाँ का। और रेतीली जो है धरती है, जैसा कि आपको सबको पता है हमारी जो राजस्थान की जो धरती है वो रेतीली है, मतलब मरुस्थल है। तो वहाँ पर देखिए, और वहाँ पर जो खेजड़ी के जो पेड़ हैं वो भी आपको जगह जगह खेतों के पास दिख रहे होंगे। चारों तरफ जहाँ भी देखेंगे आप तो आपको रेत के धोरे दिखेंगे और जो है खेजड़ी के पेड़ आपको देखने को यहाँ पर मिलेंगे। तो बहुत ही प्यारा सा व्यू है जो मैं आप सबके साथ आज शेयर कर रहा हूँ दोस्तों। तो ये देखिए, यहाँ पर ये कोई नदी थी तो वहाँ का व्यू था, और इसके आसपास ये फिर आगे जो है गए हैं वापस खेत आ गए हैं, और ये कुछ घर भी बने हुए आ रहे हैं यहाँ पर, ये देखिए। और गाड़ी से मैंने ये व्यू लिया था, बहुत ही प्यारा लगा मुझे। उसके बाद देखिए, ये है दोस्तों गेहूँ और जो के खेत है, तो लोग खेतों में काम कर रहे हैं अभी। और क्या कहते हैं, जो है गेहूँ को इस प्रकार से ये रखते हैं यहाँ पर खेतों में, हमारे अलग तरीके से रखते हैं। और यहाँ पर मैंने देखा कुछ अलग तरीके से गेहूँ को, मतलब जो पूड़े होते हैं उनको अजीब तरीके से रखते हैं। और ये देखिए खेजड़ी के जो है मतलब पेड़ हैं। और यहाँ पर देखिए दोस्तों, जो कुट्टी थी मतलब बाजरा और ज्वार की, तो उसको काट के इन्होंने रख रखा, ऐसे ढक के रखते हैं। और जो बादलों का जो व्यू है बहुत ही प्यारा था आसमान में, देखिए। और ये देखिए जगह जगह आपको खेतों में काम करते हुए लोग दिख रहे होंगे यहाँ पर, क्योंकि अभी गेहूँ की फसल और जो जो और चने की जो फसल है उनको काटने में लोग लग रहे हैं यहाँ पर। चारों तरफ खेतों में आपको लोग ही लोग दिख रहे होंगे, और फसल आपको कटी हुई पड़ी है, देखिए बारिश से कुछ फसल खराबी हो चुकी है यहाँ के लोगों की। तो बहुत ही प्यारा व्यू था यहाँ का। और हाँ, यहाँ पर मतलब पानी भी बहुत अच्छा है, मतलब खेती में लोग करते हैं यहाँ पर। और देखिए सब लोग खेतों में लग रहे हैं अभी यहाँ पर, और खेतों के बीच में आपको जो है घर भी दिख रहे होंगे, ये देखिए बीच बीच में। बहुत ही प्यारा व्यू है यहाँ का, और सब लोग अभी खेतों में लग रहे हैं। चारा जो है आपको दिख रहा होगा, मतलब पुराना चारा भी अभी इनके यहाँ पर पड़ा हुआ है, बरसात की ऋतु में जो चारा होता है वो भी पड़ा हुआ है। और जो ये खेजड़ी है उसमें सांगरियाँ लग रही है, बहुत सारी छोटी छोटी से अभी लगने लगी है, स्टार्ट हो चुकी है, सांगरियाँ लग रही है। तो सांगरी की सब्ज़ी हमारे राजस्थान की सबसे फेमस सब्ज़ी है, और पश्चिमी राजस्थान में बहुत ज़्यादा बनाई जाती है, सब जगह बनाई जाती है पर पश्चिमी राजस्थान में बहुत ज़्यादा बनाई जाती है। तो ये देखिए, इस प्रकार से खेजड़ी के वृक्ष आपको दिख रहे होंगे, छोटे बड़े बड़े चारों तरफ आपको ये खेजड़ी। और ये देखिए कुछ गेहूं अभी बाकी है काटने को, तो यहाँ पर अभी लोग काट भी रहे हैं, और कुछ बाकी जो हरा था उसको अभी रख रखा है। और ये जो है राई के इन्होंने काट के इकट्ठी कर रखी है, राई को भी निकल, कुछ लोग मैंने देखा था रास्ते में निकलवा भी रहे हैं, खड़ा निकलवा रहे, खड़ा यानी जो निकलवाते हैं जैसे गेहूँ और जो राई को थ्रेसिंग करते हैं उसे खड़ा बोलते हैं हमारे राजस्थानी मारवाड़ी में, तो वो भी निकलवा रहे हैं यहाँ पर। और ये देखिए दोस्तों, अभी खाटू श्याम जी के हम पहुँच चुके हैं, और बहुत ही प्यारा व्यू यहाँ का है मंदिर परिसर का। तो ये देर तक बीच में दुकानें थी जो मैंने आप सबके साथ शेयर की है। और यहाँ पर दोस्तों अभी हम खाटू श्याम जी का जो मंदिर है उसके मेन गेट पे पहुँच चुके हैं, और यहाँ से अभी हम जाएंगे मंदिर में दर्शन करने के लिए। और बहुत सारी जो भीड़ है यहाँ पर लग रही दिख रही होगी आपको, और यहाँ पर खाटू श्याम जी के गुलाब के फूल चढ़ते हैं।
तो अभी हम सब लोग यहाँ पर खड़े हैं और पीछे शॉपिंग कर रहे हैं मेरे भाई। दोस्तों अभी हमने प्रसाद ले लिया यहाँ से और चूरमा और लेंगे अभी।